फार्मास्युटिकल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 2 मधील एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एम है सिंथेसिस ऑफ बेंजानिलेड फ्रॉम एनिलीन। इसके लिए रेफरेंस बुक है बीसी साउंडर्स का पियर्सन पब्लिकेशन वाला प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस बुक बाय ओपी अग्रवाल। तो इन दोनों बुक्स में है और बहुत सारे बुक्स में भी है, ओगल में भी इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं आरबीएफ, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, उसके बाद है वाटर बाथ, रेजिन बॉटल, फनेल, मेजरिंग सिलेंडर, पीपीटी, स्टरर, स्पेचुला एक्सेट्रा। और इसके लिए केमिकल्स जो है वो है एनिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजामाइड, इथेनॉल, बेंजाइल क्लोराइड एंड एक्टिवेटेड चारकोल। स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए लगते हैं मैग्नेटिक स्टरर, हॉट एयर ओवन, वैक्यूम पंप, मेल्टिंग पॉइंट अपरेट्स एक्सेट्रा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो हम पहले देखेंगे। एडिशन ऑफ बेंजोइल मायोटी इंस्टेड ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन अ हाइड्रोक्सिल प्राइमरी अमाइनो और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इज यूजुअली टर्म्ड एज बेंजाइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को बेंजोइल मायोटी से अगर रिप्लेस करते हैं तो बेंजाइलेशन रिएक्शन होता है। इज इसेंशियल बिकॉज रिजेंबलेंस टू द फिनोमिन ऑफ असाइलेशन एक्सेप्ट दैट इन दिस स्पेसिफिक डिस्टेंस द रीएजेंट बेंजाइल क्लोराइड विच रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट और 10% NaOH एंड नॉट बेंजोइक एसिड अनहाइड्राइड द अमाइंस आर मोर स्टेबल इन एसिड क्लोराइड दैन इन NaOH। द रिएक्शन ऑकर्स ऑफ प्रिफरेबली ऑफ बेंजोएनिलाइड NaOH। तो बेंजाइलेशन रिएक्शन है, NaOH न्यूट्रलाइजेस द लिबरेटेड हाइड्रोक्लोराइड ऑल्सो एंड कैटालाइजेस द जो NaOH हम यूज़ करते हैं उसको कैटालाइजेशन ऑफ रिएक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल, और इसको स्कॉटन बाउमन रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रोसीजर जो है इसकी बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखें समझेंगे तो बहुत ही आसान जाएगा। आई थिंक सो आपने शायद परफॉर्म नहीं किया होगा, बट इसका प्रोसीजर अब हम समझेंगे। प्रोसीजर जो है काफ़ी आसान है, एक तो दो मेथड से कर सकते हैं हम इसको, फर्स्ट वाली मेथड से ही समझेंगे दोनों मेथड। क्या करना है, 1 ml एनिलीन लेना है और 15 ml 10% एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, जो कि पहले हमें लेना है 10% एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक वाइड मॉड फ्लास्क में, एंड उसके अंदर डालना है 1 ml एनिलीन। एंड उसके बाद ये दोनों के एडिशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के एडिशन के बाद हम ऐड करेंगे उसमें 1.5 ml बेंजोइल क्लोराइड एंड शेक विगरसली, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको अच्छे से शेक करना है तकरीबन 20 मिनट, बट प्रैक्टिकली ये हाफ एन आवर तक भी जाता है, तो वहाँ तक हमें स्टर करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब भी हम स्टर करें तो मिक्सचर वार्म हो जाएगा एंड द क्रूड बेंजोइल डेरिवेटिव जो कि रहेगा वो सेपरेट आउट होता है। बेंजोइल डेरिवेटिव उसका कलर वाइट होता है, तो उसको हम देखते हैं कि वो बाहर आ रहा है, फिर उसको हम फिल्टर आउट करते हैं। अगर आपका शेकिंग प्रॉपर नहीं है तो उसमें पैलेट्स बन जाते हैं, और इसके लिए और आपको करना पड़ेगा उसको फिल्टर करके ब्रेकआउट करना पड़ेगा पैलेट्स, और फिर फिल्टर करना पड़ेगा अगर आपकी शेकिंग प्रॉपर नहीं है। इसलिए शेकिंग बहुत अच्छे से आधे घंटे तक करना है, ओके। उसके बाद इसको रिक्रिस्टलाइज करना है हॉट मिथाइलेटेड स्पिरिट के द्वारा, यानी इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम रिक्रिस्टलाइजेशन को वो हॉट मिथाइलेटेड स्पिरिट होगा। उसके बाद उसको कम से कम क्वांटिटी सॉल्वेंट लेकर उसको रिक्रिस्टलाइज। दूसरी जो मेथड है, दूसरी मेथड के अंदर जो है 5 ml एनिलीन और 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और 7 ml बेंजोइल क्लोराइड एक RBF में लेना है। इस RBF को अच्छे से स्टर करना है, फिर उसको कूल करना है फ्लास्क को आइस बाथ में रख के। उसके बाद विगरसली उसको शेक करेंगे, और जब
तक शेक करेंगे तब तक कि उसमें से बेंजाइल क्लोराइड का स्मेल डिसअपीयर नहीं होता। और डिसअपीयरेंस को 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ओके, इस कंटेंट को हम डाइल्यूट करेंगे कोल्ड वाटर से। जैसे हम को उसके अंदर कोल्ड वाटर ऐड करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे, तो उस क्रिस्टल्स को वॉश करेंगे कोल्ड वाटर के साथ ही और रिक्रिस्टलाइज करेंगे कोल्ड अल्कोहल का इस्तेमाल करके। अब इसमें जो है कुछ इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पर बनेगा बेंजाइल डेरिवेटिव जो फर्दर HCl के फॉर्म होकर अपना बेंजाइनिल है। अब यहाँ पर थियोरेटिकल यील्ड है 2.11, जो इस स्टूडेंट ने परफॉर्म किया उसका प्रैक्टिकल यील्ड है 1.37, तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 64.328%। ओके, रिजल्ट जो है वो इस तरह से लिखना है, दिस दस सिंथेसाइज कंपाउंड वॉज फाउंड टू बी बेंजा एनिलाइड, मोलिकुलर वेट 197, मोलिकुलर फॉर्मूला C15H11NO, प्रैक्टिकल यील्ड 2.11 ग्राम, थियोरेटिकल यील्ड 1.7 ग्राम, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, परसेंटेज यील्ड 64.325 ग्राम और मोलिकुलर फार्मूला जैसा यहाँ पर दिया गया। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ बेंजा एनिलाइड, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट रिएजेंट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर द बेंजाइनिलाइड, इसके लिए कौन से रिएजेंट लगेंगे, ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द बेंजाइलेशन रिएक्शन, बेंजाइलेशन रिएक्शन क्या है, ये प्रिंसिपल में आपको इसका आंसर मिलेगा। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल, इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, तो मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल में डिस्कस किया और थियरी में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ बेंजाइनिलाइड, तो इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या आएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजाइनिलाइड, इज इट एरोमेटिक और एलिफेटिक, ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, ये भी आपको बताना पड़ सकता है वाइवा में। व्हाट आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर एन अल्किल बेंजाइनिलाइड रिएक्शन, व्हाट आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर एन अल्किल बेंजाइनिलाइड रिएक्शन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजाइनिलाइड फॉर्म बाय विच रिएक्शन, बेंजाइनिलाइड की डेरिवेटिव आप किस रिएक्शन से बनाएंगे। गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजाइनिलाइड, व्हाट प्रिपरेशन शुड बी टेक, प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ बेंजाइनिलाइड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेंजाइनिलाइड, तो इसके यूजेस जो है वो फंगीसाइडल बोलकर हम यूज करते हैं बेंजाइनिलाइड को, तो केयरफुली आप इसको स्टडी कीजिए पूरे एक्सपेरिमेंट को इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।